अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिखाया है। दिल्ली से एक बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा है और तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र भी बुलाया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध लगातार किया जा रहा है। विधानसभा पहुंचे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिस तरह से एक साथ चुनाव लड़ने की भी कई राज्यों में बात करें तो सवाल ये कि क्या वो भी साथ में आएंगे। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के नेता ही नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग तरह की पोशाक उन्होंने पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है और एक साथ इन्होंने विरोध दर्ज करवाया है। ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है और नारेबाजी की गई है, सीधे सीधे बीजेपी को ही निशाने पर लिया गया है। फिर से ये आरोप लगाए गए हैं कि जो स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं उनका दुरुपयोग किया गया है। इस तरह के आरोप कोई नई बात तो नहीं है, इस तरह के आरोप बीजेपी के राजनीतिक विरोधी पहले भी लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध अब लगातार तेज होता जा रहा है। विधानसभा पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के विधायक, आप देख सकते हैं मंत्री भी आम आदमी पार्टी के पहुंचे हैं। केजरीवाल के नाम की टी शर्ट इन्होंने पहनी और इसी टी शर्ट को पहनकर इन्होंने अलग तरह का ये विरोध प्रदर्शन दिखाया। एक बार सुन लेते हैं क्या नारेबाजी हो रही थी उस दौरान। विधायक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नेशनल इलेक्शंस की घोषणा के बाद। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी चुनाव की घोषणा के बाद। तो आज ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। दिल्ली के अंदर है और उनको लेकर के चर्चा होगी, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पहली बार सत्र बुलाया गया है, तो पूरी ताकत के साथ दिल्ली, पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर इस गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठ रही है। इस सदन के अंदर भी इस गिरफ्तारी के खिलाफ बुलंद आवाज उठेगी। अभी डिटेल आने पर बताएंगे उसको। सब लोग आज, मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट के अंदर हैं और विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का, जिस तरीके से चुनावों के दौरान हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, हमारे चार शीर्ष नेता जेल के अंदर बंद हैं, आज भी हमारे लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस बर्बरता कर रही है, यहां तक कि जर्नलिस्ट के ऊपर भी पुलिस हाथ उठा रही है। एक जर्नलिस्ट का हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक जर्नलिस्ट के गले पे हाथ आपने देखा वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने डाला। ये सब लोग तानाशाही की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर रहे हैं।